एक और बात, फिजिकल जनरल सिम्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिजिकल जनरल पे ही, फिजिकल प्लेन पे ही एक और सिम्टम मिलेगा। ये पेशेंट जैसे लगते हैं कि कितने सुस्त हैं। एलन की नोट में लिखा गया है कि बहुत सुस्त टाइप के लोग होते हैं, थके थके से लगते हैं, टायर्ड और एग्जास्टेड, जैसे लगता है कि एकदम एनर्जी ही खत्म हो गई है, एनर्जी ही खत्म हो गई है, और अनेबल टू सीट अप, यानी कि बैठना भी इनको अनुचित लगता है, या बैठने में जैसे लगता है कि इतने सुस्त हैं कि क्या बैठे, बैठने में परेशानी होती। ये बातें मैगफास से ही लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोग बात किए थे कि स्लीप, ठीक है, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, कि जब सोने जाते हैं लोग तो इसलिए कि ताकि फ्रेश फ्रेश महसूस होंगे, और अनरिफ्रेशिंग स्लीप सोने के बाद से, ठीक है, टायर्ड मोर, ठीक है, अनवेकिंग, जगने पे ज्यादा थका हुआ महसूस करें, देन रिटायरिंग, यानी कि जब सोने जा रहे थे। तो इसमें हम लोग बात किए थे मैग कार्ब है, मैग कार्ब। एक और बात हम लोग किए थे कि एक दो ही दवाई है जिसमें अनरिफ्रेशिंग स्लीप है, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, हेलो, अच्छा दूसरे वाले से करिए, है ना, जिसमें से नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बात जैसे सिंकोना में चाइना, दो ही दवाई है जिसमें लोग बताएं कि अनरिफ्रेशिंग स्लीप है, ये भी पेशेंट एकदम थका थका सा ही लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग फिजिकल जनरल की बात कर रहे हैं कि जो मैग फास्ट में जो फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे कि ठंडी हवाओं से या ठंडी एप्लीकेशन से दर्द बढ़ जाएगा, या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो बढ़ जाएगा, अनकवरिंग से भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और टच, कोई टच भी करे अफेक्टेड पार्ट को, जैसे आपके पास लेकर के आए हैं और दिखा रहे हैं कि यहीं दर्द हो रहा है, और आप टच करना चाह रहे हैं कि दिखाओ दिखाओ, तो हटाएंगे, नहीं, टच मत करिए, दर्द बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैग फास का कुछ फिजिकल जनरल सिम्टम है, हम लोग पर्टिकुलर पे चल रहे हैं अब, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स, कल हम लोग हेडेक की बात कर रहे थे, पर्टिकुलर सिम्टम्स में, जिसमें हम लोग टाइमिंग को लेकर के बात किए थे कि कितने बजे दर्द होता है, 10 या 11 बजे, सर दर्द है कि इंटरमिटेंट फीवर है कि भूख लग जाती है 10 या 11 बजे, ये बातें हम लोग कल किए थे। उसी पैराग्राफ की बात आज भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अलग बात करेंगे। हम लोग टॉप टू बॉटम बात करते हैं, जैसे केंट रिपर्टरी के चैप्टर से। तो जैसे लोग बताएंगे कि हेड में एक है हेडक, एक का मतलब जैसे दर्द होता है, ठीक है, हेडक, जैसे हेडक है, और इसमें जो लोग बताएंगे कि सर दर्द होता है वो शुरू होता है डॉक्टर साहब पीछे, यहाँ यहाँ शुरू होता है, और यहीं से एक्सटेंड होता है, बढ़ता है, एक्सटेंडिंग अपवर्ड, ठीक है। इस सिम्टम पे हम लोग कंपेयर भी किए थे, अगर आपको याद हो तो वो दवाई है साइलेसिया, जो सबसे ज्यादा जानी जाती है, और सेंगुनेरिया, सेंगुनेरिया, ठीक है, जिसमें हम लोग बात किए थे कि हेडक किधर से किधर जा रहा है, पीछे से आगे कि आगे से पीछे, एक आई पे शिफ्ट हो रहा है राइट पे कि लेफ्ट आई पे, या राइट आई टू लेफ्ट आई टू पीछे भी जा रहा है, ये सारी बातें हम लोग किए थे, फिर करेंगे। एक और चीज है कि इसमें हेडक है ऑफ स्कूल गर्ल, स्कूल गर्ल की, जैसे कोई पढ़ने लिखने वाली बच्ची है
और घर वाले बता रहे हैं कि इसका सर दर्द बहुत होता रहता है डॉक्टर साहब, और आराम नहीं मिल रहा है, बहुत दिखा चुके हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ स्कूल गर्ल में हम लोगों के एलन की नोट में और भी दवाएं हैं, वो है कैल्केरिया फास, कैल्केरिया फास है, नेट्रमयूर है, नेट्रमयूर और सोरिनम, सोरिनम है और ये मैगफास। ये चार दवा याद रखेंगे जब कोई कंप्लेन मिले हेडक ऑफ स्कूल गर्ल, स्कूल गर्ल का हेडक। ठीक है, एक और चीज, इसमें चक्कर भी आता है, चक्कर, वो भी चक्कर कब है, वर्टिगो ऑन मूविंग, चलते हैं या फिरते हैं, वॉकिंग, चलते फिरते चक्कर आता है। बोरिक मटेरियल मेडिकल से लिखे हैं। यही बात अगर हम लोग एलन की नोट से करें कि वर्टाइगो आर मूविंग आर वॉकिंग, तो दवाई बताइए, आप लोग बताइए, क्योंकि हम लोग वर्टाइगो की बातें कई बार कर चुके हैं। एलन की नोट से कौन सी दवाई है? नहीं याद आया किसी को? कोनियम लाइंग डाउन, कोनियम में लाइंग डाउन है वर्टिगो। और कोई रस्टॉक्स, एलन की नोट से रस्टॉक्स। ठीक है, इवन स्टैंडिंग वॉकिंग मूविंग, एलन की नोट में ये है। ठीक है, अभी हम लोग रिसेंटली ही वर्टिगो की दवाएं किए हैं। ठीक है, तो भूलना नहीं है, याद रखना है। अगली बात, जैसे आंखों का जो सिम्टम है, आंखों का, तो बोरिक मटेरियल मेडिका से ही लिख रहे हैं, लिखा गया है कि जो आंखों से कई बार ज्यादा पानी गिरने लगता है, तो लोग बताएंगे कि डॉक्टर साहब हमारे आंखों से पानी आ रहा है, एक्सेसिव लेक्राइमेशन, एक्सेसिव लेक्राइमेशन। ठीक है, आंखों से कुछ ज्यादा ही जैसे पानी गिर रहा है, पानी, यही बस यही दिक्कत है कि आंखों से पानी गिर रहा है और वही दिखाने आए हैं आपको। ठीक है, अगली बात, जैसे इधर माउथ की हम लोग बात करेंगे, तो माउथ में जैसे दांत होते हैं, दांत, टूथ, तो यह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि दांत दर्द होता है, लेकिन दांत का दर्द कब होता है, वो रात में होता है। लोग बताएंगे कि कल रात में हम सो नहीं पाए, आप पूछेंगे क्यों, तो बताएंगे कि रात में बहुत तेज से दांत दर्द हो रहा था और दर्द जो है कुछ भी खा ले रहे हैं। ठीक है, कुछ भी खा ले रहे हैं या कुछ पी ले रहे हैं। ठीक है, और स्पेशली जैसे मान लीजिए ठंडी का मौसम है, पानी भी ठंडा हो जाता है रखते रखते, ये सोए हुए हैं और दांत दर्द होने लगा रात में, उठ करके सोचे कि थोड़ा पानी पी लें, और पानी पी लें उससे आराम मिल जाएगा, लेकिन अगर ठंडा पानी पी लेंगे, स्पेशली कोल्ड थिंग, अगर ठंडी चीज और पी लिए तो और तेजी से दांत दर्द बढ़ जाएगा, ये बात याद रखेंगे। दांत का दर्द है रात में। ठीक है, और आराम कैसे मिलेगा, इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट, जैसे कि गर्म अप्लीकेशन से, हीट से आराम मिलेगा। ठीक है, और भी दवाएं वहीं ब्रैकेट में लिखी गई हैं कि जिनमें कोल्ड से आराम मिलता है। ठीक है, तो एक है जैसे ब्रायनिया, कॉफिया और फेरम। ठीक है, ये दवाएं हैं एलन की नोट में ही लिखा गया है जिनमें कोल्ड से आराम मिलता है। ठीक है, कोल्ड से आराम है, दांत दर्द, दांत दर्द हम लोग मैग कार्ब से करते आ रहे हैं। एक तो मैग कार्ब, इसमें डेंटिन में प्रॉब्लम है, इसमें डेंटिन में नहीं बल्कि नर्व की वजह से, नर्व की प्रॉब्लम की वजह से दांत में दर्द है। ठीक है, ये फेरम फास है, फेरम पी, फेरम फास। ठीक है, कल एक बात हम लोग उल्टा लिख लिए थे, आप लोग बता रहे थे कि उसको हम लोग सही करेंगे, जैसे हम लोग लिख रहे थे कि ब्रेन डिजीजेस फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन,
उसको सही कर लीजिएगा। ब्रेन डिजीज हम लोग लिखते थे, और फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से ब्रेन की बीमारी, सप्रेस्ड इरप्शन। ठीक है, एक और लाइन हम लोग लिखे थे, तो इसमें सही जवाब है सिकुटा। तो एक और लिखे थे हम लोग कोरिया फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, कोरिया फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, इसमें जिंक कम मेट। ठीक है, उल्टा हो गया था इसका, इसमें इसमें इसका हो गया था, इसको करेक्ट कर लेंगे। कोरिया फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, एक दिन हम लोग बात करते हैं केवल सप्रेस्ड इरप्शन की ही, कि सप्रेस्ड इरप्शन से अस्थमा, सप्रेस्ड इरप्शन से डायरिया या जो भी प्रॉब्लम, या कफ। ठीक है, तो हम लोग सप्रेस्ड इरप्शन की बात एक दिन करते हैं, तो सारी बातें हम लोग बारी बारी से करते ही रहते हैं, बस उसमें धीरे धीरे चीजों को याद करते हुए चलिए। ठीक है, जैसे इसी दवाई में अगली बात जो है, जिसके लिए ये बहुत जानी जाती है, अभी जैसे फेस की ही बात चल रही है, तो जैसे लोग बताएंगे कि डॉक्टर साहब ये जो फेस है, जैसे मान लीजिए फेस का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो दर्द होता है नर्व का, न्यूरेलजिया ऑफ फेस। ठीक है, चेहरे पे बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, और वो भी जैसे ये आंख है, आंख तो इसके नीचे और इसके ऊपर लिखा गया है इन्फ्रा, इन्फ्रा या सुप्रा आर्बिटल, यानी कि जो ऑर्बिट है, जो आई ऑर्बिट है, इसके नीचे भी और इसके ऊपर भी। ठीक है, हम लोग एक ही साइड बनाएंगे ताकि याद रहे कि कुछ एक ही साइड बनाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड होता है ये आंख। ठीक है, हम लोग याद रखने के लिए एक ही साइड बना रहे हैं। और वो भी राइट साइड होता है, राइट साइड। और जैसे आप पूछेंगे किस तरह का दर्द हो रहा है, तो बताएंगे लोग डर्टिंग या कटिंग टाइप का। इसका मतलब क्या होता है? कटिंग का तो मतलब जैसे कोई चीज काट रहा हो, इस तरह की चीज। ठीक है, लेकिन डर्टिंग का मतलब एग्जैक्ट जो मतलब होता है, जैसे कभी आप चाय पिए होंगे तो चाय के ऊपर जो जो लेयर जम जाती है, थोड़ा देर उसको रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने चाय पिया और वो चिपक गया होंठ में। ठीक है, वो चिपक गया, तो वो जो उसको हटाने के लिए वो जो उस टाइम वाली पेन होती है, वो एग्जैक्टली डर्टिंग पेन होती है। ठीक है, जैसे चाय पी रहे हैं और चिपक गया अचानक से। ठीक है, कुल्हड़ में जैसे या किसी में भी चाय पी रहे हैं, वही चिपक गया, वो जो उस मोमेंट 1-2 सेकंड के लिए वो जो दर्द होता है, वो एग्जैक्टली डर्टिंग पेन है। ठीक है, तो इसी तरह से इस दवाई में आपको मिलेगा। और बढ़ता कैसे है? टच से, कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो ये दर्द बढ़ जाएगा। या कोल्ड एयर से, कोल्ड एयर, ओपन एयर से अम्लोरेशन है, लेकिन ठंडी हवाओं से दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे कई बार सोचते हैं हम लोग कि दर्द हो रहा है, ऐसे दबाएं, इसको दबा के रखें तो आराम मिलेगा, लेकिन दबाने से और बढ़ जाता है, दबाने से और बढ़ जाता है। आराम केवल एक ही चीज से मिलता है, आराम, और वो भी जब बाहर से उस गर्म एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा, एक्सटर्नल हीट से, बाहर से जैसे गर्म कपड़ा करके या कुछ भी, जैसे मिट्टी का बना के या जैसे स्टोन को ही गर्म करके हल्का सा कई बार लोग सेंकते हैं, तो उससे आराम मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस रेमेडी का, मैकफास का, ट्राइजेमिनल न्यूरेलजिया। हम लोग शुरू में बात किए थे टिक डुलरेक्स भी मिलता है। ठीक है, ये नर्व के ही अफेक्शन की वजह से मिलता है। कई बार लोग आपको बस यही बात बताने आएंगे कि टिक्स की प्रॉब्लम है, बच्चा है, बच्चे को टिक्स की प्रॉब्लम है, टिक्स डुलारे। अगली बात, अब हम लोग जीआईटी के सेक्शन पे चल रहे हैं। जीआईटी, जीआईटी में जैसे जीआईटी
जैसे ये डायफ्राम है और इधर स्टमक है, ठीक है। और फिर आते हैं तो आंतों में भी क्रैम्पिंग है, तो जैसे अभी स्पाज्म होता है, स्पाज्म जैसे ऐंठ रहा है, एंड क्रैम्प इन स्टमक, स्टमक में जैसे ऐंठ रहा हो, कोई मरोड़ रहा हो स्टमक को, एकदम ऐंठ रहा हो, उस तरह का दर्द, ठीक है। और लिखा गया है, हालांकि जो टंग होती है पेशेंट की वो क्लीन होती है। हम लोग एक दिन टंग की भी बात करते हैं कि कौन सी दवाओं में किस तरह का टंग है, ठीक है। तो इस दवाई का आप पेशेंट से कहेंगे जीभ दिखाओ तो टंग दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद से आंतों में गैस भरा रहता है, गैस, जिसकी वजह से दर्द होता है, कोलिक, ठीक है। हम लोग कोलिक की दवाओं को थोड़ा कंपेयर करेंगे, कोलिक कि जब लोग बताएंगे आपसे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो आप कौन कौन सी दवाओं के बारे में सोचेंगे, या एग्जाम में जैसे आ गया, एग्जाम में आ गया फ्लैटुलेंट कोलिक, फ्लैटुलेंट का मतलब फ्लैटस भरा हुआ है, फ्लैटुलेंट कोलिक मतलब कि फ्लैटुलेंस, फ्लैटस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ, लोग खुद बता रहे हैं यार साहब गैस बहुत भरा हुआ पेट देखिए एकदम फूल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बस गैस बन गया है और कुछ उल्टा सीधा खा लिए थे, पेट देखिए फूल गया है, ठीक है। और उसके बाद जैसे लिखा गया है फोर्सिंग, फोर्सिंग पेशेंट टू बेंड डबल, कि जब डबल बेंड होते हैं, जब जब झुकते हैं तो आराम मिलता है, ठीक है। ये बात, ये लाइन लिखी गई है मैग फास में, मैग फास, ये लोग जैसे बताते हैं कि डबल बेंडिंग का मतलब क्या है, जैसे तो बेंडिंग होती है एक नॉर्मल बेंडिंग और एक होती है कि डबल बेंडिंग, ठीक है, डबल झुकना, एक नॉर्मल झुकना एक डबल झुकना, तो डबल इसलिए झुकते हैं ताकि प्रेशर पड़े, ठीक है ना, थोड़ा सा आराम मिलता है उससे। हालांकि मोस्टली इस दवाई में हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेशर से चीजें बढ़ती ही हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर मोडलिटी है, तो ये सब जहां भी मिलेगा इसको हाईलाइट कर लीजिए। मेट्रिया को पढ़ने का ये भी एक तरीका होता है कि कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिए जाए, पूरा याद रहे या ना रहे, बस ये बात याद रहे कि फास में फोर्सिंग है, फास में फोर्सिंग है और पेशेंट बेन डबल है, ठीक है। क्योंकि बेन डबल में एक और दवाई है, वहां पे लिखा गया है अगोनाइजिंग पेन, एकदम सहा नहीं जा रहा, अगोनाइजिंग पेन, और वहां पे लिखा गया है काजिंग, नॉट फोर्सिंग। एलन की नोट की शब्द इंपॉर्टेंट है, काजिंग पेशेंट टू बेन डबल, ठीक है, बेन डबल, उसमें भी बेंड डबल होंगे तो आराम मिलता है, ठीक है। तो सी फॉर काजिंग एंड सी फॉर कोलोसिंथ, सी फॉर काजिंग, सी फॉर कोलोसिंथ, या फॉर फोर्सिंग या फॉर फास भी मान लीजिए, हालांकि पी से होता है, याद रखना है, चाहे जैसे याद रखे, ठीक है। एक और दवाई एलन की नोट से ही, उसमें लिखा गया है ग्रिपिंग पेन, ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमेन, ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन अराउंड अम्बिलिकस, अराउंड अम्बिलिकस। और इसमें अग्रवेट करता है बेंडिंग डबल से, बेंडिंग डबल से इसमें आराम नहीं है, बेंडिंग डबल से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। तो यह है डायस्कोरिया, डायस्कोरिया विलोसा, एलन की नोट से ही लिख रहे हैं। ग्रिपिंग का मतलब होता है ग्रिप, जैसे कोई पकड़ ले, ठीक है, कहाँ पकड़ ले, जैसे जो अम्बिलिकस होती है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे जो अम्बिलिकल कार्ड बचपन में जुड़ी रहती है, तो यही इसी के अराउंड दर्द होता है। और लोग बताएंगे कि जैसे एकदम कोई ऐसे पकड़ लिया है, कस के ग्रिप कर लिया है, ग्रिप,
ग्रिपिंग पेन अराउंड अम्बिलिकस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ग्रिपिंग पेन, जैसे पकड़ लिया है, तेजी से कोई दबा रहा है, ठीक है। एक और दवाई है जिसमें लिखा गया है कि पकड़ने जैसा नहीं, लेकिन जैसे लग रहा है चाकू से कोई काट रहा है हाथों को, कटिंग पेन। कटिंग पेन इन एब्डोमेन एज इफ नाइफ, जैसे लग रहा है कि कोई चाकू लेकर के काट रहा है, तो ये बात लिखी गई है वेरेट्रम एल्बम में। वेरेट्रम एल्बम, ठीक है, वेरेट्रम एल्बम। एक और दवाई उसमें लिखा गया है कि वायलेंट कोलिक, हम लोग पेट दर्द की दवाओं को पढ़ रहे हैं, वायलेंट कोलिक, ठीक है। और ऐसा लगता है सेंसेशन एज इफ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एब्डामिनल वॉल, एब्डामिनल वॉल को जैसे ये कोई बैठा है तो इनमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई, ये जो इंटीरियर वॉल है पेट की, एब्डोमेन की, इसमें रस्सी बांध के कोई खींच रहा है स्पाइन की तरफ, जहां पे इधर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। जैसे लगता है कि कोई रस्सी बांध करके पीछे कमर की तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है। तो वही लिखा गया है, ड्रॉन एज इफ बाई बाई स्ट्रिंग टू स्पाइन। याद आ गया होगा आप लोगों को दवाई, प्लम्बामेट, प्लम्बम, ठीक है। ये कही दवाई है पूरे एलन के नोट में जिसमें ऐसा सेंसेशन है, ठीक है, जो इस तरह के सेंसेशन है या इस तरह के सिम्टम्स हैं उनको याद रखा करिए कि ये कही सिम्टम है जिसमें जैसे लगता है कि पेट को पीछे की तरफ रस्सी बांध के खींचा जा रहा है और पेट में दर्द भी हो रहा है। ये कही दवाई है प्लम्बामेट। अगली बात, अगली बात है कि जैसे पेट दर्द हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है और आराम मिल रहा है हार्ड प्रेशर से, जो तेजी से दबा रहे हैं पेट को, तो आराम मिल रहा है और दबाने के चक्कर में लाइंग अक्रॉस नी या शोल्डर। जैसे मान लीजिए पेट दर्द हो रहा है और पेट दर्द में एकदम जैसे जैसे ये पैर हैं, ठीक है, पैर, और पेशेंट एकदम पैर पर पूरा मोड़ ओड़ करके बैठ गया है, एकदम मोड़ ओड़ करके बैठे हैं, एकदम जब ऐसे बैठेंगे तो आराम मिलेगा पेट दर्द में, ठीक है, एकदम ऐसे एकदम दबा के घुटने पे लेट गए हैं। एग्जैक्ट पोजीशन की अगर हम लोग बात करें, एग्जैक्ट पोजीशन, तो जिस पोजीशन में लोग नमाज पढ़ते हैं, किसी और वे में नहीं लेंगे, हम लोग बस समझने के लिए ले रहे हैं तो एग्जाम्पल ऐसा, जिस पोजीशन में लाइंग अक्रॉस नी, वही तो पोजीशन होती है, ठीक है, या शोल्डर, कंधों के बल पे झुक जाते हैं लोग तो पेट पे प्रेशर पड़ता है तो आराम मिलता है, ठीक है। तो पेट पे प्रेशर मिलता है तो ये है स्टेनोमेट। स्टेनोमेट, हम लोगों की पूरी मेट्रिया मेडिका में तीन दवाएं हैं जिसमें इस पोजीशन की बात की गई है, पूरी मेट्रिया मेडिका, बोरिक और एलन दोनों की बात कर रहे हैं। एक है परेरा ब्रावा, परेरा ब्रावा, ठीक है, जिसमें इसी पोजीशन पे तब तक पेशेंट जब तक नहीं होते हैं तब तक यूरिन नहीं पास होता है, ठीक है। तो यूरिन
करने के लिए इस पोजीशन में आते हैं। दूसरी एक और दवाई है, सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया इसमें जो है न्यूरेलजिया ऑफ फेस, यानी कि चेहरे पे दर्द हो रहा होता है, उसको आराम पाने के लिए इस पोजीशन में आते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन में तीन दवाएं हैं, इसको याद रखेंगे। पहले भी पूछी जा चुकी हैं ये चीजें, फिर पूछी जाएंगी। ठीक है, एक और दवाई, हालांकि ये बातें हम लोग कर चुके हैं पहले भी, लेकिन वो एंगल अलग था, आज का एंगल अलग है। आज का एंगल है पेट दर्द, और वो उस दिन एंगल था या ऑपरेशन के बाद से। तो यहाँ पे कोलिक है आफ्टर लिथोटामी। कोई बताएगा लिथोटामी या ओवेरियोटामी? यस, स्टेफाइसेग्रिया। स्टेफाइसेग्रिया ठीक है, उस दिन हम लोगों की बात चल रही थी, या ऑपरेशन के बाद से क्या क्या दिक्कत है, उल्टी हो रही है कि तभी से पेट दर्द हो रहा है कि तभी से क्या क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही हम लोग अलग अलग एंगल से चीजों को देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं। एक और दवाई एलन की नोट से, जिसमें कोलिक हो, पेट दर्द हो, लेकिन कोलिक का कारण है कि गाल ब्लैडर में स्टोन है, कोलिक फ्रॉम गाल स्टोन। ठीक है, कि जो गाल ब्लैडर है उसमें स्टोन है, तो ये दवाई है बेरबेरिस वल्गेरिस, जिसे लोग केवल किडनी की पथरी के रूप में जो है जानते हैं, बदनाम है। जैसे अर्निका चोट के लिए है फेमस, ओवर यूज, अब यूज कहिए, उसी तरह से इसको भी करते हैं लोग किडनी स्टोन के केस में, लेकिन गाल स्टोन के केस में भी यूजफुल रेमेडी है। अगली बात और आगे की तरफ चलना है। जैसे इसके बाद फीमेल के सिम्टम जैसे दिए गए हैं, तो फीमेल के सिम्टम में जैसे मेंसेस की बात की गई है, तो मेंसेस कंप्लेन क्या रहेगी कि समय से पहले आ जाता है, जो टाइम है उस टाइम से पहले हो जाता है, और डार्क कलर का होता है, डार्क यानी कि जमा जमा सा। ठीक है, कुछ ब्लैक ब्लैक तरह का आता है। ठीक है, शब्द लिखा गया है मेम्ब्रेनस डिसमेनोरिया, मेम्ब्रेनस डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब डिफिकल्टी, पेनफुल मेंसेस। ठीक है, एंड मेम्ब्रेनस का मतलब जैसे मेम्ब्रेन्स कट कट के बाहर आ रही। ठीक है, जैसे मेम्ब्रेन्स यूट्रस की कट कट के बाहर आ रही, इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ऐसा ही बात हम लोग एक्टिया रेसिमोसा में भी किए थे कि दर्द है एक्सटेंडिंग टू थाई है, डिसमिनोरिया, और दर्द एक्सटेंड कर रहा है थाई तक, एक्टिया रेसिमोसा में हम लोग बात किए थे। यहाँ भी बात कर रहे हैं, और इसमें जो पेन होता है, पेन वो लोग बताते हैं कि आराम मिलता है। ठीक है, अमलोरेटेड बाय फ्लो, जैसे जैसे फ्लो स्टार्ट हो जाता है, बिगिंस, वैसे वैसे आराम मिल जाता है। ठीक है, तो फ्लो बिगिंस से हम लोग के एलन के नोट में और भी दवाएं हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि ऐसी दवाएं जिसमें आराम मिलता है, अम्लोरेशन बाई फ्लो। ठीक है, जब फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो आराम मिलता है,
इसमें दवाएं हैं जैसे एलियम सिपा, एलियम सिपा, जिंकम मेट, लेकेसिस, लेकेसिस, साइक्लामेन, और एक ये भी मैगफास्ट। ठीक है, ये इतनी दवाएं हैं जिनमें अम्लोरेसन है। इसके बाद जैसे एक और सिम्टम लिखा गया है, इसी के बाद इस पे कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। इस पे एक सिम्टम लिखा गया है, वेजिनिस्मस। वेजिनिस्मस आप पढ़ेंगे आपसे गायने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो ही दवाएं हैं हम लोग के एलन के नोट में, दो दवाएं हैं वेजिनिस्मस की, एक है प्लेटिना और एक है ये मैगफास। प्लेटिना और मैगफास ये दो दवाएं हैं जो हम लोगों की पूरी मेट्रिया मेडिका में है। एलन की नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि वेजिनिस्मस क्या होता है। वेजिनिस्मस एक कंडीशन होती है, एक स्पेशली फीमेल में पाई जाती है, वो भी वेजाइना में पाई जाती है। होता क्या है कि वेजाइना की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो स्पाज्म में चली जाती हैं। एबनॉर्मल टेंडेंसी होती है मसल्स की, वेजाइनल मसल्स की एबनॉर्मल टेंडेंसी स्पाज्म में जाने की। वो भी टेंडेंसी कब होता है? व्हेन पेनिट्रेशन अकर्स, जब पेनिट्रेशन होता है तभी वेजाइना की मसल्स स्पाज में जाती हैं। और ये पेनिट्रेशन मे बी आइदर बाई यूज ऑफ वेजाइनल टेम्पन्स या पेनिस, ठीक है। किसी भी वजह से पेनिट्रेशन है तो जो मसल्स होती हैं वो काफी स्पाज में जाती हैं, पेनफुल स्पाज, उसी को वेजिनिस्मस बोलते हैं। दो ही दवाई है, प्लेटिना एंड मैकफास्ट। कई बार लोग गलत डायग्नोस करते हैं इसको, ठीक है, या खुद पेशेंट ही इधर उधर यूट्यूब पे देख करके डायग्नोस की रहती हैं जैसे, ठीक है। कई बार लाइक बर्थोलिन सिस्ट होता है आसपास या कोई और प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो खुद आकर के बताएंगे कि वेजिनिस्मस है, ठीक है। तो वैसे में आप चीज़ों को क्लियर किया करिए, आप डॉक्टर हैं, ठीक है। नहीं तो बर्थोलिन सिस्ट की जगह आप भी दूसरी दवाओं को देंगे तो जाहिर सी बात है पेशेंट को आराम नहीं होगा। इसलिए सिम्टम्स को क्लियर किया करिए कि, और ये बात हम लोग केस टेकिंग में ही पढ़ते हैं कि जब भी पेशेंट कोई पैथोलॉजिकल टर्म बोले तो उस शब्द को क्लियर करिए, ठीक है। जैसे यही कोई बोल दिया फीमेल वेजिनिस्मस है तो आप पूछिए कि ऐसा क्या होता क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं रूडली पूछ लीजिए कि क्या जानती हो, क्या मतलब वेजिनिस्मस के बारे में क्या जानती हो, ठीक है। रूडली नहीं, एक जेंटल वे में कि क्या होता है, ठीक है। तो आप चीज़ों को डायग्नोस करिए। ये वो चीज़ें हैं जिन पे बहुत कम लोग सोचते समझते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपका तो काम ही है, ठीक है। अगली बात, अगली बात जो है एक्सट्रीमिटीज पे चल रहे हैं हम लोग। एक्सट्रीमिटीज, और एक्सट्रीमिटीज में जैसे ये जो पैर हैं, पैर पैर में एक ही पैर बनाएंगे ताकि याद रहे कि कुछ था, और इसमें हम लोग लिखेंगे सियाटिका। सियाटिका की दवाओं को पहले भी हम लोग किए थे, फिर करेंगे कि जैसे लोग बताएं कि क्रैम्पिंग होती है, क्रैम्प ऐंठता है स्पेशली काफ मसल्स यहाँ की, ठीक है। तो क्रैम्प भी है, क्रैम्प भी है, और इसके साथ साथ सियाटिका भी है, सियाटिका, और वो भी राइट साइड है, दाहिने साइड वाले पैर में।
राइट साइड में सियाटिका का दर्द है, आपको पता है ये बात, ये डायग्नोस कर लिया करिए कि सियाटिका ही है, क्योंकि एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं हम लोग कि जो सियाटिक नर्व होती है वो पीछे से आती है। जैसे कोई पर्सन है, मान लीजिए उसको पीछे से हम लोग देख रहे हैं, पीछे से, और पैर है, ठीक है, ये पैर है, तो जो नर्व आती है ये पीछे से ही आती है, सियाटिक नर्व पीछे से। तो लोग क्या बताएंगे, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग दर्द अलग अलग जगह बताते हैं, तो जब लोग बताएंगे कि कमर से ही शुरू हो रहा है, पैर के पीछे से, पूरा पैर के पीछे से, थाई लेते हुए, घुटना लेते हुए, पूरा एकदम पैर तक है, या हो सकता है किसी का भी स्टार्टिंग ही हो, क्योंकि हम लोग के यहाँ अलग अलग दवाएं हैं। हैमस्ट्रिंग ग्रुप्स ऑफ मसल्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं, हैमस्ट्रिंग्स, जो हैमस्ट्रिंग्स ग्रुप ऑफ मसल्स में पेन हो रहा है, ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स में पेन, तो हम लोग पढ़ते हैं अमोनियम कार्ब, अमोनियम कार्ब, कास्टिकम और सीमेक्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यही काफ मसल्स में पेन है तो हम लोग बात किए थे कास्टिकम और मैगफास, और अगर पूरे पैर में दर्द हो तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है। ये चीजें मिलेंगी आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रैक्टिस करिए और ये सब सिम्टम्स ना मिले। क्रैम्प्स और सियाटिका राइट साइड है, ये दवाई है मैगफास, ठीक है। एक और दवाई जिसमें राइट साइडेड सियाटिका है, राइट साइडेड सियाटिका एक्सटेंडिंग या अग्रेवेट करता है ऑन लाइन डाउन, लेटने से दिक्कत बढ़ती है, लेकेसिस, लेकेसिस में राइट साइडेड सियाटिका है, याद रखेंगे, ठीक है, लेकेसिस में राइट साइडेड सियाटिका है। एक और दवाई है जिसमें राइट साइडेड ही है, राइट साइडेड सियाटिका, और फ्रॉम हिप, कमर से लेकर के 2 फीट तक है, पूरा नीचे पैर तक, दाहिने पैर में है, तो ये है नेफाइलम, नेफाइलम, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट साइडेड सियाटिका हो, ये तो दाहिने साइड की बात हो गई, अब कोई कहे कि लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइडेड सियाटिका है, लेफ्ट साइडेड, और वो भी शूटिंग, इस तरह से लोग बताएं कि दर्द ऐसा होता है डॉक्टर साहब जैसे बिजली मारती है, लाइट, लाइटनिंग, जैसे बिजली मारती है उस तरह से दर्द होता है, और दर्द कहाँ से होता है, पाम, हिप, कमर पे होता है, थाई पे होता है, थाई पे होता है, घुटने पे होता है, नी पे होता है, और घुटने के पीछे जो पॉपलिटियल फोसा है वहाँ होता है, पॉपलिटियल फोसा, पॉपलिटियल फोसा, तो ये दवाई है कोलोसिन, कोलोसिन, ठीक है। एक और दवाई जिसमें है लेफ्ट साइडेड सियाटिका, लेफ्ट साइडेड सियाटिका, लेफ्ट साइडेड सियाटिका, फर्स्टॉक्स, कुछ बातें बोरिक मेट्रिया मेडिका से हैं, कुछ एलन की नोट से हैं। एक और दवाई जिसमें लेफ्ट साइडेड ही है, लेफ्ट साइडेड विथ नंबनेस, लोग बताते हैं तो सुन्न हो जाता है पैर हमारा, दर्द के मारे सुन्न हो जाता है, तो कास्टिकम, कास्टिकम इज द रेमेडी, ठीक है, कास्टिकम। एक और दवाई, चाहे जिस भी पैर में हो, दाहिने में हो, बाएं में हो, सिफिलिटिक सियाटिका वहां लिखा गया है, सिफिलिटिक सियाटिका, पाइटोलक का, पाइटोलक का। अब ज्यादातर देखे होंगे लोग नेफाइलम, रस्टॉक्स, कोलोसिंथ,
इन्हीं दवाओं को मोस्टली यूज करते हैं, या मैक फास्ट, ठीक है। लेकिन जैसा इंडिकेशन होगा आप उस तरह की दवाओं को सोचेंगे। पूरे पैर में दर्द है या यहीं बस दर्द है, ठीक है, या यहीं बस दर्द है, ये सारी चीजें थ्रू आउट लाइफ आपको हेल्प करेंगी प्रैक्टिस में, ठीक है। बाकी एग्जाम में तो आएगा ही। एक और बात है, एक और बात हम लोगों को करनी है इसी में, आप लोगों को लेट भी हो रहा है ओपीडी के लिए। बस एनुरेसिस की बात करेंगे कि लोग बताएं कि जैसे हमारा बच्चा है और लड़ता वो जो सोने जाता है, यूरिन पास कर देता है बिस्तर पे ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, जो सोने जाता है वो उसी समय कर देता है यूरिन सीपिया, ठीक है। और जिसमें एक और दवाई जिसमें लोग बताएं कि इसमें जो है दिन में करता है डायूरिनल एनुरेसिस, दिन में करता है फेरमेट, ठीक है, दिन में करता है। और एक और दवाई जिसमें दिन हो या रात हो, डायूरिनल एंड नॉक्टर्नल, दिन हो या रात हो इक्विसिटम, ठीक है। इसमें क्रियोजोट भी लिखेंगे, क्रियोजोट, क्रियोजोट में है कि एज इफ ड्रीम्स, बच्चा सपना देखता है कि जैसे बाहर हम टॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे बताते हैं कि हम सपना देख रहे थे कि हम पेड़ के नीचे या नाली में कहीं बागीचे में कहीं पे टॉयलेट कर रहे थे और कर बिस्तर पे रहे थे, क्रियोजोट में है एलन के नोट में, ठीक है। और एक बात और, जब नॉक्टर्नल ही है लेकिन दवाई दिया गया और सभी दवाएं फेल हो गई, लोग बता रहे हैं कोई कोई काम नहीं हुआ, अदर रेमेडी फेल्स, अदर रेमेडी फेल्स, मेडोराइनम, ठीक है। और इसमें भी है आफ्टर कैथेटराइजेशन, ये लोग बताएं कि भर्ती हुए थे, बीमारी हो गया था और उन लोगों ने कैथेटर डाला था डॉक्टर, कैथेटराइजेशन, कैथेटर उन लोगों ने डाला था और जब से वही कैथेटर निकला है तब से अपने आप यूरिन पास हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एक ही दवाई है कि जब से वही एलन की नोट में, जब से वही कैथेटर निकाले हैं वो लोग, ऑपरेशन तो हो गया कैथेटर भी निकाल लिए लेकिन पेशाब नहीं रुकता तभी से, ठीक है। दवाई है मैगफास, मैगफास, एक और बात लिखेंगे अगली बात है इसमें कि जैसे कई बार लोग आपको बताएंगे कि हमारा हाथ हिलता रहता है अपने से, इनवॉलंट्री शेकिंग ऑफ हैंड, इनवॉलंट्री, बोरिक मेट्रिया मेडिकल से लिख रहे हैं, यह इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। लोग बताएंगे कि हमारा हाथ हिलता रहता है डॉक्टर, कोई दवाई हो तो दे दीजिए, इनवॉलंट्री शेकिंग ऑफ हैंड, ठीक है। तो मेट्रिया मेडिकल से बात करें तो बात कर ही रहे हैं तो मैग फास है, लेकिन हम लोग रिपर्टरी में पढ़ते हैं, केंट रिपर्टरी में आगे पढ़ेंगे, वहां पे मर्क साल लिखा गया है ट्रेम्बलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, केंट रिपर्टरी, ठीक है। तो वो बात हम लोग रिपर्टरी में करेंगे, यहाँ तो हम लोग मेट्रिया की बात कर रहे हैं कि जब शेकिंग हो, हाथ हिलते रहे हो। और एक और बात है इसमें, कफ है, खांसी आती है और खांसी खांसते खांसते एकदम स्पाज में चले जाएं, जैसे हुपिंग कफ होती है, खांसते खांसते एकदम जैसे खांसी आ रही है, जैसे एकदम मतलब स्पाज में चले जा रहे हैं, इस तरह की बात, ठीक है।
तो चेस्ट में ही लिखा गया है, तो वही बात हम लोग लिख रहे हैं, कफ विथ स्पाज्म, स्पाज्म, और ये बढ़ जाता है लाइंग डाउन से, कि सोचते हैं थोड़ा लेट लें आराम मिल जाएगा, लेकिन और बढ़ जाता है, हार्ट का भी सिम्टम। ये सब चेस्ट में क्यों बना रहे हैं हम लोग, ये बनाते इसलिए हैं कि ये सब सिम्टम पूछे जाते हैं कि खांसी कहाँ मिलेगी कंट्री पर्ट्री में, या हार्ट के सिम्टम कहाँ मिलेंगे, ठीक है, तो ये सब चेस्ट में मिलेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस, ये तो कफ एक चैप्टर ही है अपने आप में, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस दर्द हार्ट का, हाथों में ही ट्विचिंग भी है, ट्विचिंग एंड कोरिया, ये बात हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। एक लास्ट बात यहाँ लिखेंगे, कैमोमिला, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी 2 साल पहले पूछा गया था AIAPGT में। कैमोमिला इज वेजिटेबल एनालॉग, वेजिटेबल एनालॉग ऑफ मैगफास। हम लोग एक दिन पढ़ते हैं सारी दवाओं के जो एनालॉग्स हैं उनको एक साथ करेंगे, वो वाला पोर्शन रिपर्टरी में करते हैं हम लोग, ये रिलेशन वाले पार्ट में, ठीक है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। ये केमिक कैमोमिला है, इसका अभी AIAPGT 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगली बात लिखा गया है कि कभी कभी, ये शब्द हाईलाइट कर लीजिएगा, सम टाइम, सम टाइम, कभी कभी, एक्ट बेस्ट व्हेन गिवन इन हॉट वाटर, जब गर्म पानी के साथ दिया जाता है तो कभी कभी देखा गया है कि आराम मिल जाता है या अच्छे से काम करती है, लेकिन कुछ लोग एकदम नियम बना लेते हैं कि जब भी देंगे मैं फास्ट तो गर्म पानी से देंगे, ठीक है, तो सम टाइम है, कभी कभी नहीं, अग्रेवेशन इसका कोल्ड से है, ठीक है, और अम्ब्रेशन इसमें हॉट अप्लीकेशन से है, कि कोई भी गर्म चीज या गर्म पानी उसे आराम मिल जाता है, और बेंडिंग डबल से इस दवाई में भी आराम है, बेंडिंग डबल, ठीक है, तो ये है रिलेशन वाला पार्ट, और फाइनली मैक फास्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आपके इस टेस्ट में, सैटरडे को जो है यहाँ तक आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।